विराट युद्ध महाभारत के ऐसा एक युद्ध जिसको आप कुरुक्षेत्र युद्ध का लाइट वर्सन भी बोल सकती हो, क्योंकि सिर्फ इस युद्ध में ही कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद सबसे ज्यादा महारथी हिस्सा लिया था। बेसिकली युद्ध इस वर्ड को सुनते ही सबसे पहले जो मन में आता है वो है डिस्ट्रक्शन मतलब विध्वंस और डेथ मतलब मृत्यु। लेकिन महाभारत में विराट युद्ध ऐसा एक युद्ध है जहाँ पे इस दोनों वर्ड का प्रयोग सबसे कम यूज किया गया है। महाभारत में विराट युद्ध ऐसा एक सुनहरा पन्ना है जिसको अगर आप सही से ना पढ़े तो आपके लिए महाभारत पढ़ना ही बेकार है। लेकिन उस सुनहरा पन्ना का अस्तित्व महाभारत की किसी किसी किताब में नहीं है, इसलिए हमारी इस पीढ़ी का न्यू जनरेशन ये सोचती है विराट युद्ध एक इंटरपोलेशन है। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के असफलता को छुपाने के लिए और महान दिखाने के लिए इस चैप्टर को बाद में महाभारत में ऐड किया गया है। अगर तुम पर्सनली मेरे से पूछो न्यू जनरेशन की ये सोच के बारे में तो मैं कहूंगा इनमें उन सारे लोगों का कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि सिर्फ ट्रेंड और व्यूज पकड़ने के चक्कर में उन सभी को जो दिखाया जाता है उसको ही वो परम सत्य मान के चलते हैं। क्योंकि वो सारे लोग ये भी जानते हैं हमारे इस जनरेशन टेक्स्ट बुक्स में से कभी फुर्सत निकाल के महाभारत को डिटेल्स में स्टडी नहीं करेगा, इसलिए वो सारे लोग ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मैं इतने सारे बात इसलिए कहा क्योंकि वो सारे लोग जो महाभारत के कुछ गिने चुने किताबों में विराट युद्ध ना होने का प्रूफ दिखाते हैं, मैं उस किताब में ही आपको विराट युद्ध होने का प्रूफ इस वीडियो में दिखाऊंगा। उनमें से कुछ किताब का राइटर है आनंद नीलकंठन, अर्षित दत्त, देवदत्त पट्टनायक एटसेट्रा। इन सारे कलयुग के राइटरों में कॉमन फैक्टर क्या है आपको पता है? इन सारे राइटरों में से कोई भी महाभारत को संस्कृत में से ट्रांसलेट ही नहीं किया है। वो सारे लोग सिर्फ अपने अपने दृष्टिकोण से महाभारत को फिर से लिखा है। जैसे आप पढ़ सकते हो आनंद पट्टनायक के महाभारत रोल्स ऑफ डाइस, जिसको पूरी तरह से दुर्योधन के दृष्टिकोण से लिखा गया है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ कुछ लोगों का कहना है बस महाभारत में विराट युद्ध का कोई भी वर्णन नहीं है, तो मैं उन सभी को कहूंगा क्यों हमारे संस्कृति को विघ्नित करके ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हो, अभी भी समय है, सुधार जाओ। तब भी जो जो विराट युद्ध के बारे में नहीं मानते हैं ना, उन सभी के लिए मेरा ये प्रूफ ही काफी है। प्रूफ वन, धृतराष्ट्र स्टेटमेंट अबाउट विराट वॉर। आदि पर्व सेक्शन 1 में धृतराष्ट्र ने विराट युद्ध के बारे में संजय को कहा था, जब मैंने सुना कि मेरे पक्ष में से सभी लोगों को महान अर्जुन ने विराट के प्रभुत्व में रहते हुए एक रथ में ही हरा दिया था, तब हे संजय मैंने कहा था सफलता का आशा नहीं। यहाँ पे धृतराष्ट्र ने क्लियरली कहा था कि अर्जुन ने विराट के युद्ध में सबको पराजित किया था। अगर विराट युद्ध सच में नहीं हुआ होता तो धृतराष्ट्र क्यों विराट युद्ध के बारे में कहते? प्रूफ 2, कर्ण टेल्स अबाउट विराट वॉर। कर्ण पर्व सेक्शन 71 में कर्ण ने विराट युद्ध के बारे में कहा था, इसी तरह विराट के शहर में भी एक ही कार पर चलते हुए उन्होंने हम सभी को परास्त किया और हमसे गायों की संपत्ति को छीन ली और सभी प्रमुख राजयोद्धाओं से उनके वस्त्रों को भी ले लिए। अब तो विराट युद्ध के बारे में कोई भी आपत्ति नहीं है ना, क्योंकि कर्ण ने यहाँ पे खुद ही विराट युद्ध के बारे में कहा था। फिर भी विराट युद्ध न मानने वाले के लिए और दो प्रूफ मैंने ऐड किया है। प्रूफ 3, अर्जुन टेल्स अबाउट विराट वॉर टू रुक्मी। अर्जुन ने विराट युद्ध के बारे में रुक्मी को कहा था, जब फिर से विराट के शहर में मैंने अनगणित कौरवों के साथ युद्ध किया, उस युद्ध में मेरा सहयोगी कौन था? आप यहाँ पे भी देख सकते हो उद्योग पर्व सेक्शन 159 में अर्जुन ने फिर से विराट युद्ध के बारे में रुक्मी को सब कुछ क्लियरली कहा था। अगर साथ में विराट युद्ध एक इंटरपोलेशन होता तो अर्जुन इस बारे में क्यों रुक्मी को बताता? अगर तुम अर्जुन, कर्ण, धृतराष्ट्र इन सारे लोगों का बातों का नहीं मानना चाहते हो ना, तो गॉड कृष्णा विराट युद्ध के बारे में अर्जुन को क्या कहा था ये भी सुनते जाओ। प्रूफ 4, कृष्णा स्टेटमेंट अबाउट विराट वॉर। उद्योग पर्व सेक्शन 59 में लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन के बारे में कहा था, देवदा, असुर और मनुष्य में सभी गंधर्व और नागों में मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो अर्जुन का सामना कर सके लड़ाई में। विराट नगर में एक तरफ एक व्यक्ति और दूसरी तरफ असंख्य योद्धाओं के बीच मुठभेड़ की जो अद्भुत कहानी सुनी जाती है वो इस बात की पर्याप्त प्रमाण है। पांडु पुत्र द्वारा मारे जाने पर आप सभी लोग सभी दिशाओं में भाग गए, ये इसका पर्याप्त प्रमाण है। शक्ति, कौशल, ऊर्जा और हाथ के हल्केपन में पार्थ के अलावा किसी और में ऐसा धैर्य नहीं पाया जाता। यहाँ पे भी लॉर्ड श्री कृष्णा सभी कुरु योद्धा के सामने विराट युद्ध के बारे में खुल के बताया था। इसके अलावा भी गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, शल्य प्रमुख योद्धा ने बार बार विराट युद्ध के बारे में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। जहाँ पे महाभारत के हर एक कैरेक्टर विराट युद्ध के बारे में अपना अपना ओपिनियन और स्टेटमेंट दे चुका है, वहाँ पे आप कहते हो विराट युद्ध महाभारत का एक लेटर एडिशन है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो सारे लोग ऐसा प्रोपेगेंडा सिर्फ व्यूज और पैसे कमाने के लिए चलाते हैं। अगर इसमें हमारे महाभारत और संस्कृति का ब्यूटी भी चला जाए ना, तब भी उन सभी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दुख तब होता है जब मैं देखता हूँ आप सभी महाभारत के पढ़ने की वजह ऐसा फेक प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करते हो। तो यही था विराट युद्ध के बारे में मेरा स्टेटमेंट। जय हिंद दोस्तों।